तो फाइनली 13 साल की मेहनत और 23,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इंडियन नेवी के साथ अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत कमीशन होने जा रहा है। और आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे आईएनएस विक्रांत को और साथ ही इसके एयरक्राफ्ट और इसके एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट गाइस, अगर बात करें आईएनएस विक्रांत के बारे में तो एक 43,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडिया के अलावा आज के टाइम पर सिर्फ 4 और ऐसे देश हैं जो कि एक 43,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं और इसको पावर किया जाता है 4 GLM-2500 इंजन के द्वारा और ये इतना पावर जनरेट करता है कि ये कोची जैसे शहर का आधा इलेक्ट्रिसिटी ये अकेले जनरेट कर सकता है। और अगर आईएनएस विक्रांत के इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो इसमें 2400 कंपार्टमेंट है जहां पे लगभग 1600 सेलर्स रह सकते हैं। इसके अलावा 2 ओलंपिक पूल साइज का हैंगर है जहां पे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को रखा जाता है। इसके अलावा इसमें किचन भी है जहां पे हर घंटे 3000 रोटी बनाया जा सकता है। और जब डेली आपको 1600 क्रूज को सर्व करना है तो ऐसा किचन तो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा इसमें काफी एडवांस हॉस्पिटल और ऐसे ही बहुत सारे फैसिलिटीज इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद है। और अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता छोटा सा सिटी है। अगर इसके प्राइस टैग के बारे में बात करें तो इसको बनाने में लगभग 3.13 बिलियन डॉलर का खर्चा है यानी कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि ये इंडिया में ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है तो इसमें लगा लगभग 85% पैसा आज के टाइम पर भारत के अंदर ही है और हमने यहाँ पर डेफिनेटली काफी ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स सेव किया है। और अगर आईएनएस विक्रांत के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इसके एयर विंग्स के बारे में बात करें तो आईएनएस विक्रांत 30 एयरक्राफ्ट और साथ ही इनके स्पेयर पार्ट्स और वेपन्स को कैरी कर सकता है। अब आइए एक बार आईएनएस विक्रांत के एयर विंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एयरक्राफ्ट है MiG-29K जो की एक रशियन ओरिजिन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है और कुछ समय के लिए MiG-29K आईएनएस विक्रांत का मेन फाइटर जेट होने वाला है। और अगर इंडियन नेवी MRCBF डील को फाइनलाइज करती है तो इन MiG-29K को रिप्लेस कर दिया जाएगा F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर राफेल M से। आईएनएस विक्रांत का जो दूसरा फाइटर जेट होने वाला है वो है स्वदेशी LCA तेजस का नेवल वेरियंट यानी की NLCA। अगर इसके रोल का बात करें तो इनको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा इनको टेस्ट बेड की तरह यूज किया जाएगा डाटा कलेक्ट करने के लिए और TED-BF प्रोजेक्ट जो कि लगभग 2030 में बनने वाला है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉयड होंगे कामोव के A-31 हेलीकॉप्टर्स जो कि एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर होने वाला है और एक बार में ये 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसका डिरेक्शन रेंज लगभग 110 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉयड होने वाला है MH-60 रोमियो जो कि इंडियन नेवी का लेटेस्ट और सबसे महंगा हेलीकॉप्टर होने वाला है। MH-60 रोमियो का बात करें तो ये हेलीकॉप्टर्स आज के टाइम पर सबसे एडवांस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और इसको कई तरह के रोल जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और ऐसे ही बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा हेलीकॉप्टर जो आईएनएस विक्रांत के डेक पे होने वाला है वो है स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर जिनको की कई तरह के रोल जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, सर्विलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप फॉर्मेशन में रहता है यानी कि सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स इसको प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन इनके पास खुद का भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता है। अगर बात करें आईएनएस विक्रांत का तो इसमें लगा है 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम जिसका कि 5 किलोमीटर तक का रेंज है और 1 मिनट में ये लगभग 4000 से 5000 राउंड्स फायर कर सकता है और कोई भी इनकमिंग थ्रेट जैसे कि मिसाइल्स या फिर UAVs को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जहाँ पे 40 के नंबर में LRSAM यानी कि बराक 8 मिसाइल होगा जो कि लगभग 150 किलोमीटर तक के रेंज में कोई भी
इनकमिंग मिसाइल्स, यूएवीज, फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में कवच डिकॉय सिस्टम भी लगा हुआ जो कि कोई भी इनकमिंग रडार गाइडेड मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि आईएनएस विक्रांत के आने से इंडियन नेवी को क्या फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आज के टाइम पे इंडियन नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत होने वाला है, और अगर इनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस पे जाता है तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बैकअप में रेडी रहेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का माइट और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना कैपेबल एसेट होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा रियल वॉर से, जो कि हमने पिछले 50 साल के अंदर ही देखा है। पहला एग्जाम्पल है 1971 का इंडो पाक वॉर, जहां पे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत यानी कि R-11 ने ईस्ट पाकिस्तान में एक कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसको कि आज के टाइम पे हम बांग्लादेश बोलते हैं, और उस पे डिप्लॉयड सी हैरियर्स ने चिटगोंग और कोक्स बाजार हार्बर में जितने भी शिप्स थे उनको डुबा दिया, और उसके आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उन पे भी काफी ज्यादा बॉम्बिंग किया गया था आईएनएस विक्रांत से। दूसरा एग्जांपल है 1982 का यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में हुआ फॉकलैंड वॉर, जहां पे यूनाइटेड किंगडम 13,000 किलोमीटर दूर जाके पावर प्रोजेक्शन करता है और वो वॉर यूनाइटेड किंगडम जीत जाता है, और वहां पे भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये था गाइस एक छोटा सा एनालिसिस आईएनएस विक्रांत के ऊपर, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट।